दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रियल फैक्ट सीपी में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हाथी से जुड़े हुए कुछ रोचक तथ्यों के बारे में। दोस्तों इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। हाथी लेटकर नहीं बल्कि खड़े होकर ही सोते हैं। हाथी कभी लेटते नहीं हैं, वो हमेशा खड़े होकर ही सोते हैं। हाथियों में यौन अवस्था आमतौर पर 13 से 14 साल की आयु में आ जाती है। एक हाथी पानी की गंध को 4 से 5 किलोमीटर की दूरी से सूंघ सकता है। हाथी दिन में बहुत कम सोते हैं, बस ज़्यादा से ज़्यादा 4 घंटे। हाथी एकलौता ऐसा जानवर है जो कि कूद नहीं सकता, जिसके 4 घुटने होते हैं। हर हाथी की गरज भी हम मनुष्यों की तरह अलग अलग होती है। कभी भी एक हाथी की गरज और दूसरे हाथी की गरज सेम नहीं होती है। हाथी कभी भी आपस में नहीं लड़ते। अगर किसी हाथी को चोट लग जाए तो दूसरा हाथी उसकी सहायता ज़रूर करता है। अगर किसी झुंड का एक हाथी मर जाए तो दूसरा झुंड अजीब तरह से गरज कर शौक मनाता है। हाथी साफ सुथरा रहना पसंद करते हैं और हर रोज नहाते हैं। हाथी अपनी सूंड से एक फर्श पर गिरा हुआ छोटा सिक्का भी उठा सकता है। अब तक दुनिया में प्राप्त हुए विभिन्न जीवाश्मों से पता चलता है कि आज से 5 करोड़ साल पहले हाथियों की करीब 170 प्रजातियां विकसित थी। यह जीवाश्म ऑस्ट्रेलिया से प्राप्त हुआ है। मादा हाथी हर 4 साल में एक बच्चे को जरूर जन्म देती है। इसका गर्भकाल जो होता है वो औसत 22 महीने तक का होता है। 1% मामले में जुड़वा बच्चे जन्म लेते हैं। अफ्रीकी मादा हाथियों का गर्भकाल 22 महीने का होता है। इतने बड़े कान होने के बावजूद हाथी की सुनने की क्षमता कम होती है। अफ्रीकन हाथियों के कान भारतीय हाथियों से बड़े होते हैं। जवान अफ्रीकन हाथी की लंबाई 13 फीट तक बढ़ सकती है और भारतीय हाथी की 10 फीट तक। जवान अफ्रीकन हाथी वजन लगभग 6160 किलोग्राम तक होता है और भारतीय हाथी का वजन 5000 किलोग्राम तक होता है। हाथियों का जीवन काल औसतन हम मनुष्यों की तरह 70 साल तक का ही होता है। हाथी आमतौर पर 6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलते हैं। हाथी लंबे समय तक पानी में तैर सकते हैं। हाथी दिन में 16 घंटे सिर्फ खाने में ही बिता देते हैं। हाथी लगभग एक दिन में 120 किलो तक भोजन खा जाते हैं। मादा हाथी बहुत बड़े झुंडों में रहते हैं, जिनका नेतृत्व एक बूढ़ी मादा हाथी करती है। नर हाथी 12 से 15 साल की आयु के बीच झुंड छोड़ देते हैं। जानवरों में हाथियों का दिमाग सबसे बड़ा होता है। एक हाथी का बच्चा अक्सर आराम के लिए अपनी सूंड का इस्तेमाल करता है। एक हाथी की चमड़ी लगभग 1 इंच मोटी होती है। हाथी की सूंड ऊपरी ओठ और नाक से जुड़ी होती है। हाथी के दांत उसके जीवन काल के दौरान बढ़ते रहते हैं। हाथी अपने पैरों का उपयोग सुनने के लिए भी करते हैं। जब हाथी चलते हैं तो ज़मीन में एक विशेष प्रकार का कंपन पैदा होता है। इस कंपन से हाथी दूसरे हाथियों की कंपन को महसूस करते हैं और दूसरे हाथी के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और ऐसे ही रोचक तथ्यों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।